हाय गाइज, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिर से कुछ स्ट्रक्चर बताएंगे जो इंग्लिश स्पोकन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलो गाइज, चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। फर्स्ट स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट देना है, वर्ब, इसका बोथ, फिर ये नाउन वन एंड फिर नाउन टू, दो नाउन रहेगा इस। ठीक है, जैसे अगर बोलना हो, वह पिता का पिता है और शिक्षक का शिक्षक, तो पहले बन, यानी कि वो दोनों चीज़ हैं, तो ही इज बोथ। ठीक है, अ फादर एंड अ टीचर। ठीक है, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर है, यह भोजन का भोजन है और दवा का दवा, यानी यह जो है दोनों चीज़ें, भोजन भी है और दवा भी, तो इट इज बोथ अ फूड एंड अ मेडिसिन। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है, यह कलम का कलम है और पेंसिल का पेंसिल, यानी ये दोनों चीज़ें हैं, इट इज बोथ अ पेन एंड अ पेंसिल। ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर है गाइज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इन या एट प्रीपोजिशन देंगे, फिर ईच एंड एवरी प्लस नॉन दे दें। ठीक है, जैसे अगर मुझे बोलना हो घर घर में खुशी है, तो पहले खुशी है बनाएंगे, देर इज हैप्पीनेस इन ईच एंड एवरी होम। ठीक है, थर्ड सेकेंड एग्जाम्पल है, वह कदम कदम पर हाँपता है। देखो पहले बने, वह हाँपता है, प्रेजेंट इंडिविजुअल टेंस, ही पैंट्स, और कदम कदम एट ईच एंड एवरी स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है, कन कन में भगवान है, पहले बने भगवान है, तो देर इज गॉड इन ईच एंड एवरी पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मैंने कन कन। ठीक है, थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो कल फिर से लेकर आएंगे। धन्यवाद।